सियालकोट का, जहां बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ उम्मीदवार राय पीपी 39 चौधरी ताहिर महमूद हंदली की क्यादत में पुल एक निकापुरा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। मोहम्मद उमर भट्ट, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सियालकोट। रुख करते हैं सियालकोट का, जहां बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ उम्मीदवार PP39 चौधरी ताहिर महमूद हंदली की क्यादत में पुल एक नया पूरा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इम्पोर्टेंट हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। उमर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ रोजमर्रा की अशिया में बेपनाह इजाफा होने से महंगाई का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा, जिसके खिलाफ सियालकोट के शहरी सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान रहनुमा तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए PP39 चौधरी ताहिर महमूद हिंदली ने कहा की हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बम गिराकर गरीब से दो वक्त की रोटी भी छीन ली है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से आवाम महंगाई की चक्की में पिसी है और माशियत का बुरा हाल करके रख दिया है। आम आदमी की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इम्पोर्टेंट हुकूमत आवाम की सहूलत आवाम को सहूलत सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। शहरियों ने इम्पोर्टेंट हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है और अगर महंगाई पर काबू ना पाया तो मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे।